विश्वविख्यात ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह सहित आसपास के बाजारों में हर पल भिखारियों के झुंड देखे जा सकते हैं, लेकिन भिखारियों में सर्वाधिक संख्या नाबालिगों के साथ ही जवान लड़कियों की है। जैसे जायरीन अपने परिवार के साथ जियारत के लिए कूच करते हैं तो सबसे पहले सामना इन भिखारियों से होता है, मगर स्थानीय पुलिस इन भिखारियों और अवैध ठेला चालकों पर कोई कार्रवाई नहीं करता और दुकानदारों पर ही अपना रौब छाड़ना है। रविवार को भी कुछ ऐसा ही हुआ। स्थानीय दुकानदारों के सामने कुछ वाहन खड़े रखने की बात को लेकर दुकानदारों और पुलिस प्रशासन में कहासुनी हो गई। कहासुनी इतनी बढ़ गई कि दरगाह बाजार व्यापारियों ने इलाके की सभी दुकानें बंद कर अपना विरोध दर्ज कराया। दिन प्रतिदिन ये भिखारी जायरीनों को तंग करने से बाज नहीं आ रहे और यह पूरा खेल पुलिस और प्रशासन के नाक के तले लगातार जारी है। हालांकि पुलिस और प्रशासन इस समस्या से पूरी तरह से परिचित है, लेकिन ना जाने क्यों इनके ऊपर लगाम लगाने के लिए आनाकानी कर रहे हैं। वही भाई परेशान दुकानदारों को परेशान करते हैं आए दिन। ये अपने जो सीआई आज मेरे ख्याल में 3-4 महीने मुझको नए सीआई, इसके पहले कदर कितने सीआई लगे, कभी किसी ने परेशान नहीं किया। इसलिए आए थे सब दुकानदारों को, 200 दुकानदारों से परेशान कर दिया है कि सबके चलन ला रहे हैं, सबके चालान बना रहे हैं, किसी को नोटिस भेज रहे हैं उसके यानी कोर्ट के थ्रू, बहुत परेशान कर रहेगा। आज सुबह भी ये बात हुई है, किसी दुकानदार के पास बाहर गाड़ी खड़ी थी, दुकानदार गाड़ी बाहर नहीं करेगा कहाँ करेगा, कोई यहाँ पर सेंड कोई नहीं है, बाहर खड़ी कर उसने हाथ जोड़ के बोला कि भाई मैं जा रहा हूँ पूजा करके जा रहा हूँ, लेकिन वो नहीं माने, उसकी हाथ पकड़ के बोला इसको बंद करो। यानी एक सीआई की ऐसी बात कर रहे हैं कि इसकी हवा निकाल रहे गाड़ी की, ये कहाँ से कौन सा तरीका सीआई का है, बेल्ट निकाल लिए और एक सिपाही जो इनका इनका जो कांस्टेबल मानसिंह है तो उसने बेल्ट निकाल के बोला आओ दोनों हाथ कर दे, उसका पकड़ा हाथ पकड़ा उसने, ये कोई पुलिस प्रशासन का काम है और सीआई देख रहा है वहाँ पर, सीआई उसको कुछ नहीं बोल रहा है यहाँ पर, इसका मतलब क्या हुआ ये। और ये रात को दिन भर यहाँ पर रात को जो पूरी मीडिया चलती है पता नहीं कितनी होती है, कितनी जेबें करती है लोगों को वो नहीं कहने का, और सबसे रात को टैंकर पानी का नहीं आने से पानी और टैंकर के कौन बना करता है, लेकिन ये सीआई जैसे आया वहाँ पर जो स्टाफ वहाँ खड़ा धान मंडी के ऊपर 300 रुपया दो ट्रैक्टर अंदर जाओ कहो तो मैं आपको सबसे भ्रष्ट सीआई आया अब तक में। तो रात को 9 बजे बाद तो मीना बाजार लगता है, 9 बजे बाद इतनी हालत खराब हो जाती है मार्केट की, वो तो फिर लगता है दरगाह बाजार से लेकर दिल्ली के जाने में आधा घंटा लगता है यहाँ पर निकलने में। हाँ दुकानदार में सीआई साहब आए थे तो एक स्कूटर बाहर खड़ा था तो उसने कहा हटा दो, उसने कहा मैं हटवा देता हूँ, तो उसे आगे चले गए दूसरे दुकान पे चले गए, उसकी हवा निकाल दी, उसने कहा मैं पूजा कर रहा हूँ मैं 2-4 मिनट में निकल जाऊँगा, तो वहाँ से थोड़ी उनकी गर्मा गर्मी हो गई। एक पुलिस वाला था उसे बेल्ट उतार दी और उस दुकानदार को खींचने लगा कि आ जाओ दो दो हाथ करें, उसका नाम था मान सिंह तो कांस्टेबल, उस दुकानदार कहा क्या तरीका है, मैं आपको कह रहा हूँ पूजा करके जा रहा हूँ, तो उसमें गर्मा गर्मी हो गई और उसकी दुकान को उठाने की कोशिश करी दुकानदार को और अरेस्ट करो और गाड़ी उठा के थाने में ले गए। 3 दिन पहले हम सीए साहब से मिले, हमने कहा कि सर हमको 2 दिन का टाइम दे दो, हम लाइन खींच लेते हैं, हम अपनी पार्किंग वहीं पे खड़ी कर देंगे। उन्होंने कहा ठीक है हम 2-4 दिन में, मैंने कहा ठीक है हम करवा लेंगे। परसों को थानेदार था, रात को 12 बजे चालान कर रहा था पानी के लिए, बोला नो एंट्री है। भाई मैंने कहा नो एंट्री है, रात को तो अल्लाह हुआ पानी का, तो रात को भी पानी नहीं मंगाएंगे तो होटल वाले गेस्ट हाउस जाएंगे क्या, परदेशी कैसे नहाएंगे, कैसे नहाएंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है मैं थानेदार को बोल देता हूँ आप पानी मंगवा लो, रात को 1 बजे बाद मंगाना। मैंने भाई साहब 1 बजे बाद कौन सा ड्राइवर आएगा आप बता दो, तो बोला नहीं ठीक है आप 12 बजे मंगवा लेना, भीड़ होगी तो 1 बजे मंगवा लेना। हमने कहा चलो ठीक है हम 1 बजे बाद बुला लेंगे। फिर मुद्दा आया, मैंने कहा भाई साहब व्यापारी का माल आता है अब हमें टाइम दो, 2 घंटे का टाइम दो, व्यापारी माल तो मंगवाएगा कि उसका भी चालान कर रहे हो आप, कोई साहब वो भी रात को मंगाना, मैं साहब हम रात को कैसे मंगाएंगे ये बता दो आप, रात को दुकानें बंद हो जाती है तो रात को दुकान बंद हो जाती है तो कैसे माल मंगाएंगे। तो उसने कहा ठीक है 2 बजे से 4 बजे हम आपको टाइम देते हैं, व्यापारी अपना माल मंगा सकता है। मैंने चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, आए दिन दुकानों परेशान करना, आए दिन किसी न किसी दुकान पे चालान करना, ये डंडी कैसे लगी हुई है, आज इन लोगों को ठेले नहीं दिखते हैं क्या, ठेले वाले कहते हैं हम मंथली देते हैं, कोई भिखारी परेशान करते हैं, टेम्पो वाले आते हैं बिना टोके, टेम्पो वाले आते हैं टेम्पो वालों की मंथली चली जाती है, हर टारगेट दुकानदारों क्यों लिया जाता है हमेशा, और दारू चलता है अभी थाने अंदर, चलो दारू चलता है कोई बोलता ही नहीं है क्यों भाई, धान मंडी में टेम्पो स्टैंड होने के बावजूद वहाँ टेम्पो नहीं और दरगाह के ये आप देखो ना सर, रात को मीना बाजार लगता है, हर ठेले वाला 500-1000 रुपया हर पुलिस वालों को देता है, कोई कहने वाला है नहीं,
सुबह 9 बजे तक बिल्कुल मीना बाजार लगता है। और कोई दुकानदार बोलता है उसको टारगेट बना देती है, उसको 151 की धारा में बंद कर देते हैं, किस सरकारी काम में बाधा हो जाती है। अजी मार्केट में विरोध कब तक रहेगा? विरोध जब तक हम अभी बात चल रही है, कार्रवाई नहीं होगी तब तक हम बाजार नहीं खोलेंगे। मैं बैठा था तो मैंने गाड़ी बाहर खड़ी थी, तो सीआई साहब ने हवा निकाली गाड़ी की और गाड़ी वशीस करो उसकी, तो मैंने बोला साहब गाड़ी हटा रहा हूँ और 2 मिनट में गाड़ी में ले जाऊँ पूजा होकर। सीआई साहब माने नहीं, मेरे भैया आए उन्होंने समझाया, उन्होंने भी बदतमीजी से बात करी। मानसिंह कस्टमर ने बेल्ट उतारी, बोला आ जाओ मैदान में आ जाओ, किसको कुछ लड़नी है दलील वाला जाओ। तो प्रशासन का ये काम अच्छा नहीं है, प्रशासन दुकानदार को टारगेट बना रही है, दुकानदार को सुबह परेशान कर रही है, सब दुकानदार परेशान है, हमारे सब एसोसिएशन खफा हो गई है इन प्रशासन से। प्रशासन इतनी परेशान हो गई है यानी कि सबको दुकानदार को टारगेट बना दिया है, चालान कर रही है, नोटिस भेज रहे हैं चालान कोर्ट से, उसके बाद भी दुकानदार बेचारे धंधा नहीं कर पा रहे हैं, दुकान बेच नहीं पा रहे हैं, ये है प्रशासन का काम। और रात को ठेले लगते हैं, मीना बाजार लगती है, 300 ठेले लगते हैं, एक ठेले वाला 300 देता है, उनके बारे में कोई कुछ नहीं अक्सर उठाता है। थाने नीचे दारू का अवैध धंधा हो रहा है, उसके लिए कोई काम नहीं हो रहा है, यानी कि अवैध धंधा हो रहा है, मंथली पहुँच रही है थाने में, कोई बोलने को नहीं है, यानी कि दुकानदार टारगेट बनना है। दुकानदार बहुत परेशान है, पूरे व्यापारी भाई दुकान बंद करके आ गए हैं हमारे साथ और सब दुकानदार परेशान हैं। दरगाह बाजार ऐसे आप सभी जानते हैं कि ख्वाजा साहब की दरगाह की वजह से काफ़ी आमद रफत रहती है, कई बार कुछ गलत फहमियाँ हो जाती हैं, उस वजह से कुछ विवाद उत्पन्न हो जाते हैं। तो आज मिल बैठ के व्यापार मंडल से उन चीज़ों मुद्दों पर बातचीत हो गई है, उसका समाधान हो गया है, ऐसा कोई मुद्दा इनके पास है नहीं जिसको विवाद के रूप में आप कह सकते हैं कि रह गया। मैडम क्या वजह थी कि मार्केट अभी 1 घंटे से बंद? मैंने आपको बताया ना कि कुछ अतिक्रमण को लेकर छोटे मोटे इश्यूज़ हो जाते हैं, तो कोई दुकानदार आगे बढ़ा लेता है और उस लेकर छोटी मोटी झड़प हो जाती है, उसी को इश्यू को लेकर कुछ विवाद हुआ था, लेकिन उसका समाधान हुआ। मैम गाड़ियों के चलान का मामला सामने आ रहा है कि इनके पास गाड़ियों की पार्किंग की? इन्होंने सभी को बता दिया है कि अगर जो निर्धारित मापदंड है पार्किंग के, अगर उस निर्धारित मापदंड को कोई भी व्हीकल फॉलो नहीं करता है तो उसका जो नियमानुसार चालान बनता है वो किया जाएगा। मैम अभी क्या बात हुई है? इसमें यही बात हुई है कि जो पार्किंग के निर्धारित मापदंड है नगर निगम तय करता है, उसके अनुसार ही ये पार्किंग करेंगे, और अगर उसका कोई अतिक्रमण करता है या उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई। स्वामी न्यूज के सभी दर्शक तरोताजा खबरों के लिए YouTube पर स्वामी न्यूज को सब्सक्राइब करें, साथ ही शहर से जुड़ी तमाम खबरों के तुरंत अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। यह न्यूज आपको कैसी लगी इसके लिए हमें कमेंट बॉक्स में आपके अमूल्य सुझाव दीजिए और इस वीडियो को लाइक व शेयर करें।